हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक है आपका, जो आपकी हमने यूनिट स्टार्ट की है, लाइट, ये उसका टॉपिक है। तो टॉपिक है आपका प्रकाश का परावर्तन। टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक आपका क्या है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो कैसा होता है हर जगह पे, तो आज हम इस लाइट का रिफ्लेक्शन किस में देखेंगे, कांच पे देखेंगे कि अगर हम कांच पे लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे देख सकते हैं। तो अगर हम क्या करेंगे, कोई शीशा, मान लीजिए कोई दर्पण है, दर्पण कैसा होता है, शीशा जिसमें आप फेस देखते हैं, तो अगर वो सादा कांच हुआ, कैसे जैसे खिड़की वगैरह में लगता है, खिड़की वगैरह में अगर सादा कांच लगा है तो मतलब उसमें एक साइड पॉलिश नहीं की गई है, तो अगर सादा कांच होगा तो अगर उसमें लाइट पड़ेगी तो वो सीधे निकल जाएगी। बट क्या करें, हम इस कांच में कर दें पॉलिश, एक तरफ पॉलिश कर दें, या आपने देखा होगा कभी कभी स्कूल टाइम में हम लोग विंडो में क्या करते थे, कॉपी लगा देते थे, एक साइड कॉपी लगा देते थे तो दूसरे साइड हम लोग का फेस दिखने लगता था। तो हम वही करेंगे कि क्या करेंगे, इसमें एक साइड कर दें पॉलिश, जैसे घर वाले मिरर में होता है, मिरर में क्या होता है, एक साइड पॉलिश की होती है तो उसमें हम अपना फेस आसानी से देख सकते हैं। तो वही होता है ये प्रतिबिंब, हम अपने जो फेस का प्रतिबिंब है वो आसानी से देख सकते हैं। तो उसी रिफ्लेक्शन को आज हम हमें इसमें देखना है। तो ये हमने क्या किया है, एक कांच लिया है, इस लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, कांच, और इसमें हमने क्या किया है, पॉलिश कर दिए, जो ऐसे ऐसे है इसमें हमने क्या कर दी है, पॉलिश कर दिए। तो अब यहाँ से प्रकाश आ रहा है, यहाँ ए पॉइंट से प्रकाश आ रहा है बी पॉइंट पे, तो ए पर प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ए पर क्या हो रही है, प्रकाश किरण आपतित हो रही है। तो जब यहाँ पे पहुंचेगी कांच में, जब कांच में पहुंची तो क्या होगी, कांच से परावर्तित होके ये किरण इधर निकल जाएगी। यहाँ से प्रकाश आ रहा है ए पॉइंट से बी पर, ए पॉइंट से बी पर आपतित किरण आ रही है और बी पॉइंट से सी पॉइंट तक परावर्तित होकर निकली जा रही है। तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि कांच में जब हम अपना फेस देखते हैं तो एक अंदर भी प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक, तो उस कुछ वैसा ही इसमें अगर हम प्रकाश भेजेंगे, आपतित होगा तो परावर्तित होकर निकल भी जाएगा, इसके कारण एक यहाँ पे अभिलंब बनेगा। तो ये इसके इन आपतित और परावर्तित किरणों के बीच में हमने एक अभिलंब खींच दिया। अब अभिलंब में अगर आपतित किरण के कारण जो कोण बनेगा उसे हम यहाँ पे कहेंगे आपतन कोण, और परावर्तित किरण के कारण जो कोण बनेगा उसे हम कहेंगे परावर्तन कोण। तो ये देखिए, ये आपका आपतित किरण के कारण जो कोण बन रहा है वो आपतन कोण, इसे हम आई से डिनोट करते हैं, और जो परावर्तित किरण के कारण परावर्तित होकर कांच से जा रहा है उसके कारण जो कोण बन रहा है अभिलंब के बीच में वो आपका परावर्तन कोण है, जिसे हम आपका आर बोलते हैं, ठीक, आर से डिनोट करते हैं। तो देखिए, कांच पे हमने पॉलिश किया, फर्स्ट क्या किया, फर्स्ट पहले कांच पे हमने पॉलिश किया, पॉलिश वाला कांच लिया, फिर एक उसमें प्रकाश किरण को भेजा, तो प्रकाश किरण क्या होगी, कांच पे जब आएगी तो परावर्तित होकर निकल जाएगी। अब किरण आपतित हुई और परावर्तित होकर निकल गई, इसके बीच में हमने क्या किया, एक अभिलंब एन खींचा, ठीक, तो आपतित किरण के कारण अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है वो आपका आपतन कोण आई है, और जो परावर्तित किरण के कारण अभिलंब से जो कोण बन रहा है वो परावर्तन कोण आर है। तो ये बात हुई प्रकाश के परावर्तन के फिगर की। तो इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, डेफिनेशन क्या बनेगी इससे कि प्रकाश किरण का, किसका, प्रकाश किरण का, किसी चिकने तल, चिकना तल आपका कौन सा था, कांच जिसमें हमने पॉलिश किया था, प्रकाश किरण का किसी चिकने तल से टकरा कर, मतलब कांच से टकरा कर पुनः उसी मार्ग में लौट आने की घटना को हम क्या कहते हैं, आपका प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या बोले, प्रकाश किरण का, यहाँ पे आई बी पर आपतित हुई, प्रकाश किरण का किसी चिकने तल, कांच वाला तल पर टकरा कर पुनः परावर्तित होकर अपने मार्ग में, यहाँ ये इसी मार्ग से आ रही थी, ये ऊपर आकाश से प्रकाश किरण आ रही थी, परावर्तित होकर निकली जा रही थी, तो प्रकाश किरण का किसी चिकने तल से टकराकर उसी मार्ग में लौट आने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो आप देख सकते हैं, आपतन कोण को हम आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को हम किससे, आर से आपका डिनोट करते हैं। तो परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं। परावर्तन के जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इसके दो नियम है, कौन कौन से हैं, आपतित किरण, फर्स्ट जो है आपका आपतित किरण, आपतित किरण जिससे प्रकाश आ रहा है, परावर्तित किरण जिससे प्रकाश परावर्तित होकर जा रहा है, आने वाली किरण और जाने वाली किरण, तथा अभिलंब, ये जो अभिलंब बीच में जो अभिलंब है, एन अभिलंब, तीनों कैसे होते हैं, एक ही तल, एक ही तल कौन सा, कांच के तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कैसे होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो सेकंड नियम देखते हैं, ये बात हुई आपके फर्स्ट नियम की, तो सेकंड नियम आपका क्या है, आपतन कोण आई, आपतन कोण जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बन रहा है कोण, आपतन कोण, तथा परावर्तन कोण आर, जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है परावर्तन कोण आर, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो कैसे होते हैं, आपतन कोण आई इज इक्वल टू परावर्तन कोण आर इज इक्वल टू 90 डिग्री,
क्योंकि अभिलंब कैसा है, अभिलंब है एन 90 डिग्री पर है, तो जो कोण बन रहे हैं दोनों साइड वो कैसे बनेंगे, 90 डिग्री पर बनेंगे। ठीक, ये बात हुई आपके परावर्तन के नियम के बारे में। तो आई होप आपको परावर्तन का नियम समझ में आया, समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।